स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने शहर के बादशाह खान अस्पताल में डायलिसिस सेंटर और कैथ लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हुड्डा कहीं से भी यात्रा निकाले वो खत्म जेल पर ही होगी। उन्होंने कहा कि हुड्डा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पैर टूटे होने के बावजूद वो यात्रा निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज एक स्टेडियम और MSC का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने उद्योग मंत्री विपुल गोयल, विधायक टेकचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिका भी उनके साथ मौजूद रही। हाई दे रहा है यह नजारा फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल का, जहां आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने फरीदाबाद के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए कैथ लैब और डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार लोगों को सस्ती दर पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कृतसंकल्प है और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से खेल पॉलिसी में भी कई बदलाव किए गए हैं और अब खिलाड़ियों को नौकरी पाने के लिए कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सरकारी हॉस्पिटल में कैथ लैब और डायलिसिस सेंटर खोले गए हैं। इस मौके पर अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पैर में चोट होने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहानुभूति हासिल करने के लिए यात्रा का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन वह भूल गए कि उनकी जगह सिर्फ जेल है। उन्होंने कहा कि अगर हुड्डा कहे तो वो उनका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवा देंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि हुड्डा खाली सहानुभूति लेने के लिए ढोंग करके लेटे हुए हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मेरा पैर टूटा हुआ है फिर भी मैं यात्रा निकाल रहा हूँ। अनिल विज ने चेतावनी देते हुए कहा कि हुड्डा कहीं से भी रथ यात्रा निकाले, जब मर्जी निकाले, लेकिन उनकी यात्रा जेल में खत्म होगी। वो अगर वो कहें तो मैं उनका अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवा दूंगा, पर मुझे लगता है कि वो खाली सिंपथी लेने के लिए एक ढोंग करके लेटे हुए हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मैं पैर मेरा टूटा हुआ है तो भी मैं रथ यात्रा निकाल रहा हूँ। वो रथ यात्रा निकालें, कहीं से निकालें, कब जब मर्जी निकालें, लेकिन वो निकालें कहीं से, यात्रा उनकी खत्म होगी जेल में। अमित शाह की रैली का दावा, अमित शाह की जो रैली थी उसको कम बताने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उससे बड़ी रैली करेंगे। केवल कम अक्ल लोग ही इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जो रैली थी अमित शाह की, वो कोई भीड़ जुटाने की रैली नहीं थी, उसमें कार्यकर्ता आए हैं और हर बूथ से कार्यकर्ता मोटरसाइकिल लेकर आए हैं। उसका ये ऐसे जाके बस्तियों में जाके गाड़ियां नहीं भरी थी हमने, तो ये उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। हुड्डा साहब का अगला मुकाम कहाँ है, क्या कहेंगे? हुड्डा साहब का अगला मुकाम जेल में।